हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ सुबह सुबह, आप लोग देख सकते हो। तो मैं जहाँ पे जा रही हूँ बहुत ही मतलब खुश हूँ मैं कि वहाँ पे मैं जा रही हूँ। तो अंदर में पता नहीं सूट करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिला तो मैं डेफिनेटली आप लोग के लिए सूट करूँगी, दिखाऊंगी आप लोग को अंदर का व्यू। अगर नहीं मिला तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी आके वहाँ पे कैसा रहा। तो चलो मैं निकलती हूँ, तब तक के लिए टाटा। सो गाइज, मैं फाइनली निकल चुकी हूँ और किसके साथ जा रही हूँ आप लोग को मैं आगे बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। तो ये रहा भैया, चलो मैं अभी दिखा देती हूँ आप लोग को। तो मेरे कज़न के साथ, मेरे मासी का बेटा ये, तो मैं इसके साथ जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज मैं। सो गाइज, हम लोग अभी बस से उतर चुके हैं। स्टूडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा अंदर में, राजा रथ के एकदम बहुत अंदर में। तो अभी हम लोग टोटो ले लिए हैं, गरीब आदमी। तो भैया राम देखो इधर हाय बोल दो मेरा फैमिली को। अभी हम लोग जा रहे हैं, अंदर में क्या होगा आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। सो गाइस, मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ DRR स्टूडियो, जो कि यहाँ पे मूवी भी शूट होता है और बहुत सारा रियलिटी शो शूट होती है। तो मैं आज पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों को मैं आगे दिखाऊंगी कि मैं किस लिए आई हूँ यहाँ पे। अभी ग्रैंड फिनाले डांस बांग्ला डांस का चल रहा है शूट अभी इधर पे। तुम बताओ कैसा लग रहा है स्टूडियो में आके? थैंक यू बोला हमको। भाव खा के भाग रहे तुम लोग। सो गाइज, मैं फाइनली पहुंचने वाली हूँ दादागिरी का सेट में और यहाँ पे पार्किंग जोन है, तो अंदर की तरफ चलेंगे। और ये मेरा फ्रेंड, आप लोग को बाद में बताऊंगी, इसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। और यहाँ पे सेट है लगा हुआ, देख सकते हो। मैं पहुंच चुकी हूँ दादागिरी सीजन 10 और इधर से एंट्री गेट है, तो भैया भी जा रहे। और ये रहा फाइनली सेट के अंदर का व्यू, जो कि एकदम वीडियो अलाउ नहीं है। मैं चुप चुप के बना रही हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग देख सको और आप लोग को भी देख के मज़ा आए। तो आप लोग कंटिन्यू देखो ब्लॉग को, मैं एकदम चुप चुप के बनाई हूँ। यहाँ का टेलीकास्ट 31 और 1 जन को दिखा दिया गया है, तो आप लोग अभी वो टेलीकास्ट देख सकते हो टीवी पे और यूट्यूब पे। और ये रहे मेरे सामने सौरभ गांगुली, जो कि मेरा थोड़ा सा भी बिलीव नहीं हो पा रहा कि मैं सामने से इतना पास से देख रही हूँ। सो गाइज, अभी ब्रेक हो चुकी है, तो आप लोग एक बार देख लो यहाँ पे क्या होता है ब्रेक में। और मैं आप लोग को आगे दिखा दूंगी पूरा सेट का व्यू। सो गाइज, फाइनली ये एपिसोड का शूट कंप्लीट हो चुका है और आज आए थे मिट्टी जोड़ा, जो मैं ऑलरेडी एक शूट पे गई थी मिट्टी जोड़ा का सेट पे, वही लोग यहाँ पे आए थे। कोइंसिडेंटली आज इन लोग को फिर से मैं देख पाई। और ये रहा पूरा सेट का लुक, आप लोग एक बार देख लो। और बहुत ही बड़ा लाइटिंग से डेकोरेट बहुत ही मस्त किया गया है। तो ये रहा दादागिरी का पूरा सेट। अभी मैं जा रही हूँ लंच करने और सामने जो दीदी नंबर 1 लिखा हुआ, यहाँ पे दीदी नंबर 1 का सूट होती है सामने में यहाँ पे। और मैं आ चुकी हूँ लंच करने के लिए। तो यहाँ पे बूफे सिस्टम है, आप खुद से लेके खा सकते हो। और यहाँ पे मैं एग ली हूँ और बहुत ही टेस्टी था खाना आज का लंच। और ये रहा पूरा अंदर का व्यू, जो सेट के बाहर है और स्टूडियो के अंदर का है, आप लोग देख सकते हो पूरा। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, तो अभी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, लंच हो चुका है। भैया तुमको कैसे लग रहा है यहाँ पे आके बताओ, अच्छे से बताओ। खुशी नहीं हो रहा तुमको आके यहाँ पे? आदमी आने के लिए मरता रही है, अच्छा चक्कर रहा है। थैंक यू भी नहीं बोला हमको,
तो अभी हम लोग नेक्स्ट शो पे जाएंगे थोड़ी देर में, तो आप लोग को भी मैं लेके जाऊंगी। आप लोग देखे होंगे आधा, तो आप लोग कमेंट पे बताना कि आप लोग को कैसा लगा। सो गाइज, ये मेरा फ्रेंड है, तो ये दादागिरी में काम करता, आप लोग देखे होंगे जो सौरभ गांगुली को जो हेलमेट पहन के गिफ्ट सब देते हैं ना, यही देता है, और यही मेरे को बुलाया है, तो थैंक यू उसको। तो अभी यहाँ पे आने के लिए तुझे भी थैंक यू। तो अभी हम लोग जाएंगे फिर से सेकेंड राउंड के लिए, तो अभी जा रहे अंदर में, तो आप पे अलाउ नहीं है वीडियो, तो भी चुप चुप कर जितना होगा उतना करेंगे, तो चलो। सो गाइज, अभी सेकेंड पार्ट के लिए स्टार्ट हो चुका है, तो देख सकते हो कि अभी दादा को रेडी कर दिया गया है, अभी चल ही रहा है। और गाइज, थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा क्योंकि वीडियो बनाना सच में अलाउ नहीं है, मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि फ़ोन बहुत ही चुप चुप के मुश्किल है, क्योंकि बहुत जन ना क्या करते गाइज कि पहले ही एपिसोड को अपलोड कर देते हैं, तो कोई देखेगा भी नहीं ना, इसलिए अभी रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया है कि वीडियो बनाना एकदम अंदर का अलाउ नहीं है। पर आप लोग को मैं दिखा रही हूँ दादा को, जो कि सौरभ गांगुली को, वो भी दूसरे ड्रेस पहनकर आ चुके, तो ये शायद 31st या 1st दोनों का एक ही दिन में शूट हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो अभी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं अभी बैठी नहीं सामने में, क्योंकि अब मेरे को अभी थोड़ा देर में निकलना है, तो थोड़ा बहुत आप लोग को दिखा के मैं निकल जाऊँगी। राइट आंसर যাইতা যারা যারা এজ দিয়েছে তারা সঠিক উত্তর দিয়েছে আর তারা পাবে পজিটিভ পয়েন্ট। পুরো সঠিক উত্তর দিয়েছে ফারুক আর মিমিকি মিমিকি করতে পারে। হ্যাঁ, নরেন্দ্র মোদির গলায় নতুন বছরটা কি আহ্বান করতে পারে। বাট হ্যাঁ, চিনি জলপাই গুলি यार বিনা চেঞ্জ না টেলিকপ। I am a disco dancer. তিনজনে তিনটে আলাদা উত্তর। জিমি জিমি यार बिना चैन कहा नहीं, I am a disco dancer. আলিপুরদুয়ার জোজো বলছে জিমি জিমি, যদি উত্তরটা ঠিক হয় তাহলে দিদিকে গানটা গিয়ে শোনা দাও। জোজো has to sing জিমি জিমি জিমি। Yes. Okay, ঠিক আছে, চল। सो गाइज, मैं निकल चुकी हूँ ऑलरेडी, बहुत लेट हो गया है, 8 बजने चला है, अभी भी कंटिन्यू 11 बजे तक तो चलेगा ही। और यहाँ पे एक मंदिर है जो कि राम और सीता जी है, यहाँ पे बजरंगबली भी आप लोग देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, और ये रहा पूरा अंदर का व्यू। चलो मैं फाइनली निकलती हूँ स्टूडियो से, फिर घर जाके आप लोग को बात करूंगी। गाइस, मैं फाइनली वापस आ चुकी हूँ घर पे, तो मैं गई थी आज दादागिरी के सेट पे, तो मैं आप लोग को पहले क्लियर कर देती हूँ, जो मैं दादागिरी का ऑडिशन दी थी कुछ दिन पहले ब्लॉग अपलोड की हूँ, तो उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, कुछ दिन बाद आएगा। और मैं सेट पे ऐसे ही देखने गई थी, कोई गेम खेलने नहीं गई थी, तो ये मैं आप लोग को क्लियर कर दी। सो गाइज, मैं आप लोग को एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। अगर अपने आइडियल को आप सामने से देखते हो तो आप समझ सकते हो कि आपका फीलिंग और इमोशन क्या हो सकता है। मेरे लिए तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि मैं इतना पास से सौरभ गांगुली को देख पा रही हूँ और सारा गेम देखी। और मैं बताती हूँ कि वहाँ पे ना एक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होता है, फिर एक 1.5 घंटा का ब्रेक होता है, फिर 5:30 बजे से रात का 11 बजे तक होता है। 2 दिन का सूट एक दिन में होता है, इस तरह का होता है। वहाँ पे लंच भी मिला, टी कॉफी तो है ही, और सबका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। और गाइस, सबसे रेस्ट्रिक्शन था फोटो वीडियो क्लिक नहीं कर सकते, फोटो क्लिक कर सकते हो, वीडियो क्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जन आगे पोस्ट कर देते हैं तो बाद में कोई देखेगा भी नहीं, वो लोग कितना मेहनत करे तो वो लोग को भी तो TRP चाहिए, इसलिए वो रेस्ट्रिक्शन है। थोड़ा बहुत मैं चुप चुप के की और थोड़ा बहुत उन लोग के सामने भी की हो तो लोग कुछ बोले नहीं। तो इस तरह का रहा एक्सपीरियंस। और जो मिट्टी चोरा था सेट में, वो लोग आए थे खेलने के लिए, तो वो भी अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो लोग को मैं देखी, वो लोग भी मेरे को देखे, तो जो रेड कलर का डांस करती ना, वो स्माइल भी थी मेरे साथ, और मैं उन लोग के साथ फिर से फोटो क्लिक की हो, तो बाद में मैं पोस्ट करूँगी ब्लॉग आने के बाद, आप लोग देखना। और कौन विनर हुआ है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ, जो मिट्टी जोड़ा का जो
लीड रोल में करते हैं वही लोग विनर हुए हैं। और जब तक मेरा ब्लॉग आएगा तब तक वो टेलीकास्ट आ गया होगा 1 तारीख को और 31 दिसंबर 1 जनवरी को आ गया होगा। तो आप लोग देख लेना एक बार जाके और कमेंट पे बताना कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा। मेरे लिए तो आज का दिन बहुत ही अच्छा गया था, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा गया, मतलब बोल नहीं सकते, वर्ड्स नहीं है। चलो मेरे फ्रेंड के थ्रू ही पर मैं देख तो पाई, जा तो पाई, क्योंकि सेट में भी जाना वहाँ पे भी लक का बात है, सब कोई तो जा नहीं सकते, रैंडमली तो किसी को एंटर करने देगा नहीं, किसी का रेफरेंस ही चाहिए। तो मेरा फ्रेंड वहाँ काम करता है तो मेरे को जाने भी मिला इजली, तो थैंक यू उसको भी कि वो मेरे को हेल्प किया और मैं गई, भैया को भी लेके गई और देख पाई। तो चलो ब्लॉग को एंड करती हूँ, अगर चले तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा।